हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट एम एन एस टारगेटिंग एम एन एस ट्वेंटी सो दिस इज़ इंग्लिश क्लास एंड इसमें आज हम लोग कवर करने वाले है 60 yes, guys, 60 हैं 60 प्लस ई एंड फ्रेजेस यस गाइस 60 प्लस ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं ठीक है हमारा पहला आज का जो ईडीम एंड फ्रेज है दैट इज़ अ ब्लेसिंग इन दिस अ blessing इन disguise इसका मतलब होता है अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर आपको कोई चीज़ देखो और आपको लगता है वो बुरी चीज़ है लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो एक अच्छी चीज़ थी सो so, इसका मतलब होता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ ठीक है आपको स्टार्टिंग में बुरी लगी बट बाद में अच्छी लगी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इज द फ्रेज नेक्स्ट है अ डीम अ डजन डीम अ डजन का मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो there are many things a deem there are many things a deem a dozen between them okay so a deem a dozen that is something common kuch to तो common hai dono ke beech mein connected hai ek dusre se related hai that is a deem a dozen तीसरा है beat around the bush beat around the bush का मतलब होता है avoid saying what you mean usually because of its uncomfortable way आप सामने वाले को कुछ कहना चाहते हो but वो जो जो आप बोलना चाहते हो वो अनकम्फर्टेबल है इसीलिए आप उसे अवॉइड कर रहे हो सेंग वॉट यू मीन यूजअली ठीक है आप उसे अलग वे में बोल रहे हो अपनी चीज़ों को दैट इज़ बीट अराउंड द बुश कहना कुछ और चाहते हो कैब पा नहीं रहे हो और उसी बात को फिर अलग वे में कह रहे हो दैट इज़ बीट अराउंड द बुश ठीक है एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं जलेली करेंगे क्योंकि सिक्सटी प्लस है बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना है अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइ मतलब पहले स्टार्टिंग में बुरी लगी वो चीज़ लेकिन बाद में पता चला अरे ये अच्छी चीज़ थी सेकेंड है डीम ड मतलब कुछ तो कॉमन है दोनों के बीच में आम बात है सामान्य है तीसरा है बीट अराउंड द बुश मतलब होता है कहना चाह रहे हो जो बात वो सही नहीं लग रही है कह पा नहीं रहे हो और उसी बात को दूसरे वे में कहने की कोशिश कर रहे हो ठीक है चौथा है बेटर लेट देन नेवर ये तो आपने बहुत जगह रोड्स पे भी देखा होगा जहाँ पे रोड्स ख़राब होती हैं या फिर हाईवेज़ पे बेटर लेट देन नेवर अच्छा है कि तुम लेट घर पहुँचो इससे अच्छा कि तुम कभी ना पहुँचो मतलब धीरे गाड़ी चलाओ बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल आना ही नहीं है ऐसा नहीं करना है पहुँचना है अपनी जगह पर लेट पहुँचो कोई बात नहीं आराम से चलाओ गाड़ी ओके फिफ्थ इज बाइट द बुलेट बुलेट को बाइट कर लेना नॉट मेकिंग सेंस बट इसका मतलब होता है टू गेट समथिंग ओवर विथ बिकॉज इट इज़ इन एविटेबल इन एविटेबल मतलब होता है बिन बुलाई टाइप्स ऐसा हो जाता है तो उस चीज़ को ओवर करना समथिंग ओवर टू गेट समथिंग ओवर उससे उभर के आना बिकॉज ये चीज़ यू नो आपके समझ के बाहर है तो आप उस चीज़ से उभरोगे ठीक you know, uh, uh, okay? है दैट इज़ बाइट द बुलेट और वी कैन से यू नो अप कर लेना पैकअप कर लेना किसी चीज़ से ओके सिक्स है ब्रेक अ लेग ब्रेक अ लेग मतलब होता है गुड लक सुनने में अजीब है ब्रेक अ लेग टांग तोड़ देना नेगेटिव लग रहा है सुनने में बट मीनिंग इज़ वेरी पॉजिटिव दैट इज़ गुड लक तो अब से कोई एग्जाम देने जा रहा हो उसे आप ऑल द बेस्ट गुड लक नहीं बोलोगे उसे बोलोगे ब्रेक अ लेग वो भी घबरा जाएगा क्या बोल रहे हैं सो so, या yeah, आगे चलते हैं अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा आगे है कॉल इट अ डे मतलब स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग मतलब आज के लिए इतना काफ़ी है बोलते हैं ना हिंदी में आज के लिए इतना काफ़ी है दैट इज़ कॉल इट अ डे बस बहुत हो गया कट समी सम स्लैक कट सम स्लैक मतलब इतना क्रिटिकल नहीं होना है इतना ज़्यादा टेंस्ड नहीं रहना है डोंट बी सो क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहना है कि सामने वाला आपको समझ ही नहीं पा रहा है कट समबडी सम स्लैक डोंट बी सो क्रिटिकल नाइन्थ है कटिंग कॉर्नर्स कोनों को कट कर देना मतलब डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी किसी चीज़ को यू you नो know, हड़बड़ी में कर रहे हो जल्दी कर रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है समय बचाने के लिए या फिर पैसे बचाने के लिए यू you नो know, कम क्वालिटी का ही बैड क्वालिटी का ही कोई चीज़ लिया तो दैट इज़ कटिंग कॉर्नर डूइंग समथिंग पुअरली किसी चीज़ को बुरी तरीके से करना ताकि आप इन ऑर्डर टू सेव टाइम टाइम बचा सको या फिर पैसे बचा सको टेंथ है ईजी डज़ इट ईजी डज इट का मतलब होता है स्लो डाउन easily डू इट easily डू इट कामली दैट इज स्लो डाउन ईजी डज़ इट गेट आउट ऑफ हैंड आउट ऑफ हैंड बोलते हैं हाथ से निकल गई हिंदी में बोलते हैं हाथ से निकल गया या निकल गई मतलब कंट्रोल से बाहर है अब इसका कुछ नहीं हो सकता गेट आउट ऑफ कंट्रोल ठीक है इलेवंथ तो देखिए क्या है गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम कोई चीज़ आपके सिस्टम से बाहर हो जाएगी डू द थिंग्स यू हैव बीन वेटिंग टू डू सो यू कैन मूव ऑन ठीक है कुछ ऐसी चीज़ें करो जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि हम करेंगे और अब आप वो चीज़ कर रहे हो ताकि आप मूव ऑन कर सको आगे निकल सको ठीक है गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम अपने जो सिस्टम ऐसे याद करो कि अपने जो सिस्टम है पूरा बॉडी है उससे कोई चीज़ को उसको मूव ऑन करना है आपकी बॉडी को तो आप कुछ ऐसी चीज़ करो जिसका आप वेट कर रहे थे ठीक है आगे चलते हैं थर्टीन है गेट योर एक्ट टुगेदर वर्क बेटर और लीव ठीक है गेट योर एक्ट टुगेदर एक्ट टुगेदर मतलब जो कर रहे हो वही दिखाओ ना जो कर रहे हो वही दिखाओ अच्छे से काम करो या फिर निकल जाओ ये आपको मेरी जो जॉब्स वगैरह में आपको ये सुनने को मिलेगा गेट योर एक्ट टुगेदर ओके बॉस ऐसे डांट देता है दैट इज वर्क बेटर और लीव फोर्टीन देखिए गिव सम बेनिफिट ऑफ डाउट ट्रस्ट वॉट सम वन सेज गिव समिंग द बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को बेनिफिट दे देना डाउट का किसी पर भरोसा कर लेना जो भी सामने वाला बोले जा रहा है हम उस पर भरोसा करे जा रहे हैं दैट इज़ गिव समन द बेनिफिट ऑफ डाउट फिफ्टींथ है गो बैक टू द ड्राॅइंग बोर्ड हाँ गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड बैक पे ही आप यहाँ पर समझ जाओ कि वापस से जाना दैट इज पूरा स्टार्टिंग से आगे से काम करना दैट इज़ स्टार्ट ओवर ठीक है कोई काम यू आर डूइंग एंड बीच में अटक रहे हो तो यू समन विट गो बैक टू द ड्राॅइंग बोर्ड मतलब स्टार्टिंग से करो स्टार्ट ओवर सिक्सटींथ है हैंंग इन देअर हैंग इन देयर मतलब बिल्कुल भरोसा नहीं तोड़ना है बिल्कुल हिम्मत नहीं छोड़नी है हैंग इन देयर वहीं पर अटके रहो उसी को करते रहो डोंट गिव अप ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगैन दैट इज हैंग इन देयर ओके हिट द सैक हिट द सैक मतलब गो टू स्लीप ये थोड़ा अच्छा है हिट द सैक इंपॉर्टेंट है गो टू स्लीप क्योंकि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा जो ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस एग्जाम में मोस्टली ऐसे आते हैं जो सुनने में कुछ और लगता है मीनिंग कुछ और ही निकल जाता है तो बच्चे वहां पे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं तो ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हिट द सैक हिट द सैक बोरे को मारना नहीं गो टू स्लीप हैंग इन देयर वहीं अटक जाना नहीं आगे बढ़ना गिव अप नहीं करना इट्स नॉट रॉकेट साइंस ये तो बहुत कॉमनली यूज करते हैं आजकल के बच्चे इट्स नॉट रॉकेट साइंस मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कोई ऐसा हवा नहीं है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो दैट इज इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल ओके इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड नाइनटीन है लेट समन ऑफ द हुक लेट समन ऑफ द हुक मतलब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बिल्कुल भी मतलब निभाना नहीं टू नॉट होल्ड सम वन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग भाई आपको अगर कुछ हो जाता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है गेट सम वन ऑफ द हुक है ना बोलते हैं ना अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है दैट इज़ लेट सम वन ऑफ द हुक टू नॉट होल्ड सम वन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज़ के लिए नहीं लेना ट्वेंटी थे मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये हम लोग जब भी बेस्टीज से बात करते तो बोलते मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये 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 बात है ठीक है मतलब किसी बड़े से बात को आप एक छोटी सी स्टोरी में समराइज करके बता देते हो टेल समथिंग ब्रीफली है ना एक्सप्लेन नहीं करना है ब्रीफ में बताना है दैट इज़ मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मिस द बोट मिस द बोट ऐसे याद रखो बोट अगर आपने छोड़ दिया या मिस द बस बोल सकते हो ऐसे याद करो मिस द बोट मिस द बस मिस द अपॉर्चुनिटी मतलब आप लेट हो गए हो तभी तो मिस हुई है ना सो इट्स टू लेट मिस द बस इट्स टू लेट ओके ट्वेंटी द नो पेन नो गेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर योर एम एन एस परस्पेक्टिव फॉर यू गाइज इट्स अ लाइफ चेंजर नो पेन नो गेन अगर अभी पेन नहीं लोगे अभी मेहनत नहीं करोगे तो आगे जाके कुछ नहीं मिलेगा यू हैव टू वर्क फॉर वॉट यू वॉन्ट तुम्हें जो चाहिए उसके लिए तुम्हें काम करना ही पड़ेगा नो पेन नो गेन ऑन अ बॉल ऑन अ बॉल मतलब होता है डूइंग अ ग्रेट जॉब ये भी कुछ डिफरेंट है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है ऑन अ बॉल मतलब डूइंग अ ग्रेट जॉब पुल leg हिंदी में बोलते हैं किसी की टांग खींचना मतलब यू you नो know, बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो तुम किसी एक को टारगेट करके सारे और उसकी टांग खींचते हैं दैट इज उसके साथ मस्ती करते हैं दैट इज टू जोक विद समवन पुल सामवं लेग टू जोक विद समवन आगे चलते हैं ट्वेंटी फिफ्थ है पुल योर सेल्फ टुगेदर काम डाउन पुट योर सेल्फ टूगेदर अशांति से बैठो अपने सोल को अपने बॉडी को एक करो देट इज योर सेल्फ टूगेदर अपने आप को एक जगह रखो काम डाउन हो जाओ ओके काम डाउन हो जाओ सो फार सो गुड थिंग्स आर गोइंग वेल सोफार सो फार सो गुड बहुत दूर तक सो so फार मतलब बहुत दूर तक सो so गुड मतलब बहुत सही ठीक है तो थिंग्स आर गोइंग वेल सोफार बहुत दूर तक सब चीज़ें सही सही जा रही हैं सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है ठीक है स्पीक ऑफ़ द डेवल मतलब बोलते हैं ना शैतान का नाम लिया एंड शैतान हाजिर तो ये वही है स्पीक ऑफ़ द डेवल द पर्सन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट शोड अप जिस बंदे की तुरंत बात ही कर रहे हैं वो सामने प्रकट हो जाए दैट इज़ स्पीक ऑफ द डेवल शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर नेक्स्ट तो ट्वेंटी एट है दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ मतलब अब ये लास्ट था ये लास्ट चांस दिया था मैंने सामने वाले को अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा दट माई पेशेंस हैज़ रन आउट अब यू you नो know, बर्दाश्त लिमिट खत्म हो चुकी है मेरा पेशेंस खत्म हो चुका है रन आउट इसका मतलब होता है दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ ऐसे याद रखिए दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ दैट इज द लास्ट चांस फॉर सम वन ओके माई पेशेंस हैज़ रन आउट ट्वेंटी नाइन्थ है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड दोनों के लिए अच्छा होगा एंड आइडियल सोल्यूशन ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम बिटवीन बोथ फ्रेंड्स ओके ड्यू टू वी कैन से कंफ्लिक्ट ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग तो उस टाइम पर ऐसा फैसला लिया जाए जो दोनों के लिए सही होगा तो बोलेंगे द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड दोनों की जिंदगी के लिए अच्छा है एंड आइडियल सोल्यूशन सिचुएशन बहुत सही सिचुएशन है थर्टीथ टाइम फ्लाइज वेन यू आर हैविंग फन यू डोंट नोटिस हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट वेन इट्स फन ठीक है टाइम फ्लाई समय चला जाता है जब आप मस्ती में होते हो इसका मतलब ये है कि आप नोटिस तब नहीं करते हो जब टाइम जब आप मस्ती में होते हो तब तो आप टाइम को नोटिस नहीं करते हो और वहीं जब आप बैड सिचुएशन में आ जाओ तो थोड़ा सा टाइम होता है और आपको लगता है कि यार हम कब से इस मुसीबत में फंसे हैं ओके सो यू डोंट नोटिस आप नोटिस नहीं करते हो हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट कोई भी चीज़ कब खत्म हो रही है जब वो फन हो जब खुशी हो तो टाइम यू चली जाती है लोग बोलते हैं यूं नहीं चली जाती है खुशी भी, भी उतनी आती है दुख भी उतना ही आता है बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन की खुशी होती है तो आप ध्यान ही नहीं देते हो कि कौन सी चीज़ कब ख़त्म हो रही है राइट सो थर्टी हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं आई होप आपको समझ में आ रहा है द मीनिंग्स एंड द फ्रेज आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू गाइज द एग्जाम्पल्स ओके आगे चलते हैं थर्टी और थर्टी प्लस है थर्टी सिक्सटी नहीं है टोटल सिक्सटी प्लस है आई थिंक सेवेंटी अराउंड है हम सब कवर करते हैं थर्टी फर्स्ट देखते हैं टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप टू गेट अप सेट मतलब आप खुश हो तो आप अपने शेप में हो ऐसे याद कीजिए आप खुश हैं तो आप अपने शेप में हैं टू गेट बेंट आउट ऑफ द शेप शेप से बाहर चल जाते हो मतलब आप दुखी हो जाते हो टू गेट अपसेट आप ऐसे याद करेंगे ना बना बना के तो आपको इजली याद हो जाएगा ओके थर्टी सेकेंड है टू मेक मैटर्स वॉर्स मेकअप प्रॉब्लम वर्स ये तो बहुत इजी है मैटर को और बुरा बनाते जाना आग में घी डालने का काम करना मेक अ प्रॉब्लम वर्स बातों को बढ़ाते जाना प्रॉब्लम बढ़ाते जाना किसी का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा है बातों को बढ़ाते जा रहे हैं बस थर्टी थर्ड है अंडर द वेदर आई एम अंडर द वेदर नाउ डेज एवरी वन इन दिस कंट्री इज़ अंडर द वेदर नाउ डेज बिकॉज ऑफ विंटर सीजन और कोविड एंड ऑल ओके सो सिक आजकल सब बीमारी चल रहे हैं ठीक है अंडर द वेदर ही चल रहे हैं सब सिक चल रहे हैं ओके okay? थर्टी फोर्थ देखिए वील क्रॉस दैट ब्रिज वैन वी कम टू इट हाँ ये बहुत अच्छा है हम उस ब्रिज को तब पार करेंगे जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे ठीक है मतलब हम उस चीज़ को तब डिस्कस करेंगे जब उसकी बात आएगी अभी जो चल रहा है अभी उस पर बात करते हैं इसका मतलब ये होता है ठीक है वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट इसका मतलब होता है लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम राइट नाउ उस प्रॉब्लम के बारे में अभी बात नहीं करनी है अभी जो बात कर रहे हैं अभी जो सिचुएशन है उस पर बात करते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे ओके रैप योर हेड अराउंड समथिंग अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड रैप योर हैड अराउंड समथिंग मतलब अगर आपका हैड फॉर एग्जाम्पल रैप हो जाता है किसी चीज़ के अराउंड मतलब आपने उसको अच्छे से अपने कंट्रोल में कर लिया है पूरा पकड़ लिया है मतलब आप किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को ईजिली आप समझ गए हो अब आपको समझ में उस बात को आ गया है ठीक है दैट इज अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड थर्टी सिक्स है यू कैन दैट अगेन तुम तुम बात फिर से कह कह सकते हो 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 इसका मतलब मतलब है कि हाँ, तुम सही कह रहे मतलब तो थिंग, you can, uh, say it again. ऐसे कर मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ योर गेस इज एज गुड एज माइन आई है योर गेस इज एज गुड एज माइन तुम एकदम मेरी तरह अच्छा गेस कर लेते हो बट ये एक सर्कैस्टिक वे में हम ले सकते हैं योर गैस इज एज़ गुड एज माइंड आई हैव नो आइडिया मतलब मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है इसके बारे में ओके नेक्स्ट थर्टी एट है और बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश व्ट यू हैव इज वर्थ मोर देन वॉट यू माइट हैव लेटर ठीक है और बर्ड इन देंड तो मेरे पास अभी जो है वो बहुत है टू इन द बुश ठीक है आगे जो आएगा वो आगे देखेंगे वॉट यू हैव इज़ वर्थ आपके पास जो है वो बहुत है मोर देन उससे ज़्यादा जो आपके पास आगे चल के आएगा आगे का मत सोचो अभी जो है उस पर ध्यान दो साफ सीधी बात है थर्टी नाइन्थ अ पेनी फॉर योर थाट्स ये अच्छा क्वेश्चन है ये इससे पहले रिपीटेड है आपके एम एन एस में ओके अ पेनी ऑफ योर थाट्स का मतलब है टेल मी वॉट यू आर थिंकिंग सो टेल मी अ पेनी ऑफ योर थाट्स कुछ हमें भी अपने विचार बताइए दैट इज़ टेल मी वॉट यू आर थिंकिंग क्या सोच रहे बताइए अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी ऑन्ड जो आप आज बचाओगे वो आप कल के लिए कमा रहे हो ठीक है अ पेनी सेव्ड जो बचा रहे हो वो कल के लिए कमा रहे हो मनी यू सेव टूडे आज जो आप पैसे बचाएंगे यू कैन स्पेंड लेटर उसे आप बाद में खर्च कर सकते हो फॉर योर इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट अ परफेक्ट स्ट्रोम परफेक्ट स्ट्रोम को अगर हिंदी में बोले तो एक बहुत परफेक्ट आंधी राइट द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन मतलब परफेक्ट आंधी आई है, तूफान उठ गया भाई इससे बुरी सिचुएशन नहीं हो सकती ये सबसे पॉसिबल बुरी वाली सिचुएशन है द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन ओके फोर्टी सेकेंड है अ पिक्चर इज वर्थ देन थाउजेंड वर्ड्स ठीक है अगर आप किसी को हज़ार बातें बोलते हो किसी के बारे में और अगर वो बंदा उस चीज़ को देख लेता है कहते हैं ना इसका मतलब ये हो गया आंखों देखी चीज़ पे विश्वास करना चाहिए ना कि किसी के बोलने पे ठीक है so, सो अब पिक्चर इज़ वर्थ देन थाउजेंड वर्ड्स अब तुम तो मुझे कोई भी सफाई तो मैं नहीं सुनूंगी मैंने तो देख लिया जो मेरे को देखना था बेटर टू शो देन टेल दिखा दो सामने वाले को बताने से अच्छा दिखा दो ठीक है वो एक बार में मान जाएगा तुम्हें इतने हज़ार यू नो लेक्चर्स नहीं देने पड़ेंगे उसको अब पिक्चर इज वर्थ देन थाउजेंड वर्ड्स फोर्टी थर्ड है एक्शन स्पीक्स लाउड देन वर्ड्स हमें उन चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए जो लोग कर रहे हैं ना कि उन चीज़ों पे जो लोग बोल रहे हैं ठीक है एक्शन स्पीक्स हरकतें बोलती हैं लाउडर ज़्यादा बोलती, है, बोलती हैं तेज़ बोलती हैं वर्ड्स के मुकाबले सो बिलीव वॉट पीपल डू देन वॉट दे से ओके जो वो बोलते हैं उन पर उससे ज़्यादा जो करते हैं उन पर विश्वास कीजिए एड इंसल्ट टू इंजरी एड इंसल्ट टू इंजरी इसको हिंदी में बोलते हैं आग में घी डालना ठीक है इंजरी में चोट पर और इंसल्ट देना मतलब आग में घी डालना ओके मतलब जो सिचुएशन ख़राब है उसे और ख़राब बनाना टू मेक अ बैड सिचुएशन बैड सिचुएशन को और वर्स्ट बना देना वर्स ओके फोर्टी फिफ्थ है barking up द रोंग ट्री ठीक है मतलब आपने आ, कोई चीज़ गलती कर दी बार्किंग ऑफ द रोंग ट्री मतलब उस प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई उसका सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो बट गलत जगह पे ढूंढ रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है आप गलत पेड़ के पास चल रहे हो गलत पेड़ के पास जाके भौंक रहे हो दैट इज़ बार्किंग ऑफ द रोंग ट्री टू बी मिस्टेक इन और टू बी लुकिंग फॉर सोल्यूशंस ऑन अ रोंग प्लेस गलत जगह पे सोल्यूशन ढूंढना ओके फोर्टी सिक्स है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टूगेदर पीपल हु आर आर लाइक आर ऑफ फ्रेंड्स पीपल हु आर अलाइक आर ऑफन बर्थज ऑफ अ फैदर फ्लॉक टूगैदर मतलब इसका यह है कि पीपल जो अलाइक होते हैं डिफरेंट होते हैं वो भी फ्रेंड्स होते हैं आर ऑफन फ्रेंड्स पीपल हु आर अलाइक आर ऑफन फ्रेंड्स फोर्टी सेवन्थ देखते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू टेक ऑन प्रोजेक्ट दैट यू केन नाट फिनिश बाइट ऑफ मोर काट लेना ज़्यादा जितना इतना ज़्यादा मुंह में डाल लेना जितना आप चवा भी नहीं पा रहे हो ठीक है उतना ही लेना चाहिए उतना ही कहते हैं ना हिंदी में उतना ही पैर पसार जितना आपके चादर हो ये वही है ठीक है उसी प्रोजेक्ट को लो जो आप फिनिश कर पाते हो उस प्रोजेक्ट को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है टेक ऑन प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट को आपने ले लिया जो आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो टेक ऑन प्रोजेक्ट दैट यू कांट फिनिश ब्रेक द आइस इफ टू पर्सन आर सिटिंग एंड दे आर क्वाइट एंड समवन स्टार्टेड सडनली टॉकिंग दैट इज दैट मीन्स दैट पर्सन ब्रेक्स द आइस उसने कन्जर्वेशन कन्वर्जेशन स्टार्ट की बातचीत स्टार्ट किया स्टार्ट कन्वर्जेशन बाय द स्किन ऑफ योर टीथ ये बहुत सिंपल है दैट मीन्स जस्ट बेयरली बाय द स्किन ऑफ योर टीथ इंपॉर्टेंट बन जाता है नेक्स्ट फिफ्टीथ पर आगे हम लोग हमने हाफ कंप्लीट कर दिया है दैट इज़ कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंज इसका भी कम्पेयर कर सकते हैं क्या एप्पल इज रेड इन कलर ऑरेंज इज ऑरेंज इन कलर सो वी कांट कंपेयर तो हमें ऐसी दो चीज़ों को कम्पेयर करें जिसे हम कंपेयर ही नहीं कर सकते सो कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट के नॉट भी कम्पेयर्ड वेरी ईजी कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट के नॉट भी कंपेयर्ड फिफ्टी वन है दैट कॉस्ट ऑफ एंड आर्म एंड अ लेग बोलते हैं ना आईफोन लेने के लिए तो मेरे को अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी तो सही में किडनी थोड़ा ना बेच देते हैं इसके कहने का मतलब है कि आईफोन बहुत एक्सपेंसिव होता है तो वैसे ही इंग्लिश में इडियम एन फ्रेज है कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग एक हाथ और एक पैर काट के देना पड़ेगा तब जाके ये आएगा ठीक है मतलब बहुत महंगा है वेरी एक्सपेंसिव फिफ्टी सेकेंड है डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट डू समथिंग कुछ ऐसा करना एट द ड्रॉप ऑफ द हेड कुछ ऐसी चीज़ें कर देना विदाउट प्लानिंग ठीक है बिना आपने कुछ सोचा समझा कुछ नहीं किया कोई प्लान नहीं किया कि कैसे एग्जीक्यूट करना है बस डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया दैट इज डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ हैट हैट डू समथिंग विदाउट प्लानिंग फिफ्टी थर्ड है डू अन टू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अन टू यू ठीक है ट्रीट पीपल फेयरली तुम सामने वाले के साथ वैसी व्यवहार करो जैसा वो तुम्हारे साथ कर रहा है इसका मतलब ये है डू ऑन टू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अंड टू यू सामने वाले के साथ वैसे व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो आपके साथ हो सो ट्रीट पीपल फेयरली सो गॉड विल ऑल्सो ट्रीट यू फेयरली राइट फिफ्टी फोर्थ है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच पहले से ही सोच लेना ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा नहीं पहले से नहीं काउंट करो उसको आने दो सब कुछ होने दो उसके बाद डोंट काउंट ऑन समथिंग गुड हैपनिंग बाय इट्स सेल्फ अनटिल इट हैपन्स जब तक हो नहीं जाता तब तक पहले से काउंट नहीं करना चाहिए डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच डोंट क्राई ओवर पिल्ट मिल्क जो दूध गिर गया तो अब उस पर रो के क्या फ़ायदा कि गिर गया गिर गया कोई फ़ायदा नहीं है ना सो दे आर्स नो रीज़न टू कम्प्लेन अबाउट समथिंग दैट कांट भी फिक्सड मतलब जो चीज़ें इम्पॉसिबल अब दूध गिर गया उसे वापस उठा नहीं सकते इम्पॉसिबल टास्क को अब वो हो गया तो उस पर बहस करके कोई फ़ायदा नहीं, नहीं है उस पर कंप्लेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है सो दे आज़ नो रीजन टू कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कांट भी फिक्स्ड जिसे ठीक नहीं किया जा सकता फिफ्टी सिक्स है डोंट गिव अप योर डे जॉब यू आर नॉट वेरी गुड एट दिस डोंट गिव अप लिखा तो देखिए कितना पॉजिटिव लग रहा है लिखा हुआ है तो डोंट गिव अप मतलब गिव अप नहीं करना हिम्मत नहीं आनी योर डे जॉब ठीक है बट इसका मीनिंग ऑपोजिट है बिल्कुल कि आप इस काम में अच्छे नहीं हो ठीक है अगर आप किसी को कहना चाहते हो आप इस काम में अच्छे नहीं हो तो उसको बोल दो डोंट गिव अप योर डे जॉब ओके फिफ्टी सेवन्थ है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट अगर एक ही बास्केट में आप सारे एग्स रख देते हो तो क्या होगा रिस्क होगा टूटने का ठीक है तो इसका मतलब बहुत आप रिस्की काम कर रहे हो वॉट यू आर डूइंग इज टू रिस्की डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट मीन्स यू आर डूइंग अ थिंग विच इज वेरी मच रिस्की फिफ्टी एट थे एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग मतलब हर एक दुख वाले मौसम के बाद एक गोल्डन पीरियड आता है एक हैप्पीनेस वाला पीरियड आता है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग्स दुखों के बाद सुख भी आते हैं ठीक है फिफ्टी नाइन्थ है गेट अ टेस्ट ऑफ़ योर ओन मेडिसिन जो खुद कर रहे हो जो खुद सबको दे रहे हो अगर उसे तुम खुद टेस्ट करोगे तब तुम्हें पता चलेगा हाउ बैड यू आर ओके जैसे तुम किसी को ट्रीट कर रहे हो अगर सामने वाला तुम्हें वैसे ट्रीट करे इन अ बैड वे देन यू विल रियलाइज दैट यू हैव टेस्टेड योर ओन मेडिसिन दैट इज गेट ट्रीटिंग अदर्स जो सामने वाले को दे रहे हो वो मिलेगा तब पता चलेगा बोलते हैं ना खुद जो कर रहे हो तब पता चलेगा दैट इज गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन सिक्सटी थे गिव सम वन द कोल्ड शोल्डर कोल्ड शोल्डर ठंडी कंधा कंधा कैसे दे सकते हैं इग्नोर कर देना है सामने वाले को देखना ही नहीं कि कौन जा रहा है ठीक है सो इग्नोर सम वन गिव समन द कोल्ड शोल्डर दिस इज अ रिपीटेड एम एन एस क्वेश्चन ओके गो ऑन अ वाइल्ड गूज चेज टू डू समथिंग पॉइंटलेस गो ऑन अ वाइल्ड गूस चेज वाइल्ड गूस का कोई काम नहीं होता है ठीक है ये अंडे नहीं देती है बट इसके पीछे हम भागेंगे मतलब पॉइंटलेस काम कर रहे हैं कोई सेंस नहीं है उसको पकड़ने के बाद ओके सिक्सटी सेकेंड आ गए हम लोग गुड थिंग्स के कम टू हु वेट अच्छी चीज़ें उसी के पास आती है जो इंतज़ार करता है मतलब पेशेंस रखो सब्र का फल मीठा होता है इसका मतलब है सब्र का फल मीठा होता है बी पेशेंट ही हैज़ बिगर फिश टू फ्राई मतलब ही हैज़ बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ दैट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ उसके पास और भी बड़ी चीज़ें करने के लिए ठीक है ही हैज़ बिगर फिश टू फ्राई मतलब उसके पास और भी बड़ी चीज़ें करने के लिए जो हम लोग इधर फालतू ये डिस्कस कर रहे हैं उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा उसको और भी बहुत से काम है ऐसे बोलते हैं ना दैट इज ही हैज़ बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ सिक्सटी फोर्थ है ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक ही इज द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब ये अपने पापा पे गया है द सन इज लाइफ द फादर ओके जैसे पापा है वैसे ही बिल्कुल उसका सेम बेटा है ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक सिक्सटी फिफ्थ देखिए हिट द नेल ऑन द हेड गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट एकदम हिट कर देना उस पॉइंट को एकदम सही सटीक आंसर बताना दैट इज हिट द नेल ऑन द हेड सिक्सटी सिक्स है इग्नोरेंस इज़ ब्लेस कई बार बोलते हैं कि अरे क्या हो गया था बता दो मुझे वो मेरे बारे में क्या बोल रही थी तो सामने वाला बोलेगा इग्नोरेंस इज़ ब्लेस ठीक है दैट मीन्स अच्छा है अगर तुम उस बात को इग्नोर कर दो अच्छा है अगर तुम्हें पता ही ना चले कि वो क्या बोल रहा है क्योंकि वो सही नहीं बोल रहा था यू आर बेटर ऑफ नॉट नोइंग अच्छा है तुम्हें ये बात नहीं पता ठीक है सो दीज आर सिक्सटी सिक्स एम ए, यहाँ पे मैंने आपको कराया है सिक्सटी सिक्स idioms and phrases from your exam point of view important here please like comment share to the friends who are preparing for ms and also subscribe to my channel below if you are new to this channel thank you so much keep supporting bye bye